और उसका 12 और 13। कैसे 12 में 13 है। लुक चैप्टर 13, लुक अध्याय 13 वर्स 12 एंड 13। कैसे 12 में 13। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यीशु ने तिला आपल्याजवळ बोलावले आणि तो तिला म्हणाला, बाई, तू तुझ्या विकारापासून मुक्त झाली आहे। त्याने तिला स्पर्श केला आणि तत्काळ तिला सरळ उभे राहता आले। तेव्हा तिने देवाची खूप स्तुती केली। आम्ही यावर देखते की स्त्री आहे जी उभी आहे आणि ती स्त्री आहे जी उभी आहे और वो आराधनालयाने आराधना करण्यासाठी आली आणि ती आराधनालयामध्ये आराधना करायला आली आहे। याने उसे भी पीठ का एक बीमारी थी आणि तिला पाठीचा एक आजार पण होता। तो ऐसी इस बीमारी से वो पीड़ित होकर कहाँ आई थी, परमेश्वर की भवन में आराधना करने के लिए। अच्छा, अगर आराधना मुझे पीड़ित होकर तो मुझे आने नहीं आराधना लिया, लेकिन यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और यीशु ने आपने जवाब बोला और उस पर अपना हाथ रखकर कहा कि वो अपनी दुर्बलता से छूट गई। अंधे जो अपने हाथ ने उन बोला कि तू विकार मुक्त हो गई है। उसी घड़ी वो जो झुकी हुई स्त्री जो थी, अंधी जी वाकई भी स्त्री होती, वो क्या हो गई, सीधी खड़ी हो गई। फिर हम थोड़े ऊपर जाएंगे। दियो इस वचन से आज हमें भी प्रभु क्या कहता है। ये वचन में मैंने देव आज आप लोग आज हम सबको प्रभु ने बुलाया। आज आप लोग सारे में देवा ने देवा दिन 12वें वचन में बोलो, यीशु ने तिला आप लोगों को बुलाया। यीशु ने तिला, तिला मतलब तुम्हारा तुम्हारा तुम्हें सगे तिला है ना, ती है ना, आहत ना ती। आज देवाने आपल्याला लेडीज मीटिंगला बोलवलं म्हणजे तिच्या त्याच्या मुलींना बोलवलं और आज परमेश्वरने आपल्याला लेडीज मीटिंग को बुलाया मतलब उसकी बच्चियों को बुलाया। हाँ, उसकी बेटियों को उसने बुलाया था। आणि त्याच्या मुलींना त्यांनी बोलवलं। इसलिए देवा को आमंत्रण आपको दिया गया। उन देवाने तुम्हाला आमंत्रण दिया गया। काय दिया झालं? याओ या पिताजी आपको बुला रहे हैं आणि वडील तुम्हाला बोलवत आहेत। आपली बेटी अपने अपने घर में जरा आ जाओ आणि जरा मुलीने आपापल्या घरी या। पिता आपसे मिलना चाहता है आणि वडिलांना तुम्हाला भेटायचं आहे। क्यों मिलना चाहता है? का भेटायचं आहे? क्योंकि जैसी ही स्त्री जो तो नीच हुई आराधना करने के समय पर वो क्या थी, बहुत झुकी हुई थी आणि आराधना करताना वेळी ती खूप वाकलेली होती। मतलब उसे एक दुष्ट था जो उसे 18 साल से लगभग तकलीफ दे रहा था आणि एक दुष्ट वडील 18 वर्षापासून खूप त्रास देत होता। शायद आप भी प्रभु की बेटी है, शायद आप तो प्रभु की बेटी है, लेकिन शायद आपको कोई ऐसी आत्मा है जो आपको पीड़ा दे रही है, तकलीफ दे रही है, उसके भी कुछ साल हो गए आणि अशी कोणती आत्मा जी तुम्हारा बजाजल होता है मुझे बाहर लेके जाने का और इधर आवाज करने नहीं देने का, बाहर लेके जाने का। तो कहने का उद्देश्य, सामने उद्देश्य कि आप भी शायद कुछ जैसे 18 साल से थी, आप भी शायद कुछ सालों से पीड़ित हो एंड जैसे 18 वर्षापासून तसंच तुम्ही पण खूप वर्षापासून असाल दरद हो। अभी ये स्त्री बिचारी खड़ी नहीं रह सकती आणि ही स्त्री बिचारी उभी राहू शकत नाही। ऐसे ही आपको भी बहुत जनों को ऐसी कुछ तकलीफ होगी संसार में कि आपको लोगों के सामने खड़े रहने को नहीं हो रहा है, आपको दुख हो रहा है किसी बात का। आणि ऐसा नहीं तुम्हारा दुख होते कि तुम्हारे लोगों से तुम उभा राहिला होत नाही। या फिर आपके कमर में दर्द हो, क्यों तुमच्या कमरे हड्डियों में दर्द हो, हाडांमध्ये दुखणं असते ना, क्योंकि इसके भी यही प्रॉब्लम्स है ना। आणि हिचे पण या समस्या आहेत। अक्सर स्त्रियों को ये ज्यादा प्रॉब्लम्स येते हड्डियों का आणि स्त्रियांना हाडांचे खूप त्रास असतात। कमर में दर्द, कमरे दुखण्याने में दर्द, पाया दुखाने में दर्द, गाडीमध्ये दुखणं, तलवे में दर्द, गळ्यामध्ये दुखणं, हातो पेरू में दर्द, आधा पायामध्ये दुखणं, हमेशा काही ना काही दर्द होता रहता है। नेहमी कुठे ना कुठे त्रास होतो, दुख आहे ना। स्त्री आहे, निर्बल आहे, निर्बल आहे, तरी एक ही तो ठीक आहे। तिच्या हे म्हणायचे काय, बायबल कहते वो दुर्बल है, बायबल म्हणते ती निर्बल आहे, निर्बल आहे, निर्बल आहे। इसलिए क्या होता है, ज्यादा व्याप यानी उसके शरीर पर पड़े हुए बहुत सारे कामों का, समस्याओं का तान पड़ने से भी उसके शरीर का जो ढांचा है वो दर्द देने लगता है। और जिसमें जो खूब तनाव वाले हैं जिस शरीर का ढांचा है तो लगता है हमारी जो हड्डियाँ हैं वो हमारे शरीर को आकार देती है और अपनी जो हाड़ें हैं अपने शरीर का आकार देता है। इसीलिए अगर हड्डियों में तकलीफ हुआ, हाड़न में त्रास है, हमारे शरीर में बदलाव हो जाता है, अपने शरीर में चेंजेस होता है। हेलो, अगर अभी देखो हमारे शरीर का ढांचा ऐसा है, अपने शरीर का ढांचा ऐसा है, सोचो पैर दर्द हो रहा है और पाए दर्द दुखते हैं, ऐसा सीधा नहीं चलेगा, तो सरल नहीं था कैसे चलेगा, कैसे चलना, तो आकार कैसे हो रहा है, आकार कैसा होता है, थोड़ा सा चलते समय जरा अजीब सा लग रहा है, हम लोग चलते ना जरा वेगळा वाटतं पण का आणि लंगडे बने ना। या फिर अगर सोचो कमर में दर्द है, कमरे दुखते हैं, तो झुकने को तकलीफ, वापायला त्रास, झुक गए तो फिर खड़े रहने को आणि वापस तुम उभा राहायला नको। तो इन समस्याओं से शायद आज आप लोग जा रहे हो या समस्या तो शायद में ज्यादा था। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में कहता है, पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 34 में, स्तोत्र संहिता 34 में निकालेंगे और आप यहाँ और वहाँ पर टिक कर देना है, इधर उधर टिक करा 19:21 भजन संहिता 34 उसका 19:20 स्तोत्र संहिता 34:19
चांगला मानता हूँ संगड़े ये नहीं असे नहीं हाँ अच्छे व्यक्ति है प्रभु के पीछे चलते हैं यीशु को मानते हैं तो उनके जीवन में विपत्तियाँ नहीं संकट नहीं ऐसा नहीं होगा होगा धर्मी है बुद्धिमान है तो संकट होगी संगड़े ये भी धर्म क्योंकि क्या है हम धर्मी होने के कारण जो अधर्मी है जिसे विनाश का पुत्र कहता है वो क्या करता है धर्मियों का विरोध करता है अगर विनाश का पुत्र है तो नीतिमान का विरोध करता है इसलिए वो तकलीफ देगा वो तो त्रास दे क्यों देगा हाँ नहीं ताकि हम हमारा धर्मीपन छोड़ दे अपन अपने नीतिमान को छोड़ा होगा परमेश्वर की बड़ाई करना छोड़ दे अपन देवल से वाहवा करना छोड़ा होगा अय्यूब के जीवन में जब दुख हुआ अय्यूब के जीवन में जब दुख हुआ उसके बच्चे मारे गए जैसे मुल्क मार संपत्ति लूटी गई जैसे संपत्ति लूटने लगे जब कुछ उसके पास था सब चला गया तो जब जी गए उनका सब गिने डाला अधर्मी वो विनाश का पुत्र उसकी स्त्री के द्वारा उस स्त्री को जिंदा रखकर उस स्त्री के द्वारा क्या कहता है परमेश्वर की निंदा कर और मर जा अय्यूब से तो पुत्र स्त्री से कभी कायम होते देवा की निंदा करने को मर मतलब उस दुष्ट की इच्छा क्या थी कि जो अय्यूब परमेश्वर की स्तुति करता था वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करे परंतु परमेश्वर की निंदा करे जैसे वो खुद करता है दूसरा चीज अगर इच्छा होती है अय्यूब ने देवा की स्तुति करने अय्यूब ने देवा की निंदा करावी जैसे वो शैतान करता हूँ जैसे वो दोष लगाता है जैसे वो दोष लगाता हूँ अय्यूब भी दोष लगाए अय्यूब ने ही दोष लगा ये उसकी इच्छा थी ये इच्छा होती इसीलिए वो बुराई की मेरी वाइट पड़ा थे लेकिन अय्यूब ने फिर भी कहा जब परमेश्वर के हाथ से हम सुख ले सकते तो क्या दुख नहीं ले सकते अय्यूब म्हणाले तर देवाचा आता तर आपण सुख घेऊ शकतो मग दुःख नाही घेऊ शकत आपको समज में आ रहा है समजलं तो धर्मियों के जीवन में नीतिमानांच्या जीवनामध्ये संकट दुःख विपत्तियां होती है संकट दुख विपत्ति ऐसा मत सोचो कि आप यीशु के पास आए तो आपको दुख नहीं संकट नहीं कष्ट नहीं ये तो रहेंगे और यीशु म्हणाले नंतर दुख नहीं संकट नहीं ऐसा विचार करू नका ये ठीक आप क्या सोचते हो जो यीशु में नहीं उनको दुख और तकलीफ नहीं है आणि यीशु ने त्यांना दुःख दुःख आणि त्रास नाही वो तो बीमारियां नहीं है त्यांना आजार तो नाही का है ना आहे ना उनको भी है त्यांनाही आहे लेकिन पण हम आगे देखो क्या लिखा है त्यांच्यावर संकटे येतात परंतु देव त्याला प्रत्येक संकटात सहाय्य करतो हाँ परमेश्वर उन सारे संकटों में से उनको क्या करता है मुक्त करता है हमारे पास मुक्ति दाता है अबे में मुक्ति दाता है छुड़ाने वाला है छुड़ाउनारा है बचाने वाला है बचाउनारा है इन सारे संकटों से और विपत्तियों से बचाने के लिए वो क्या करता है हमेशा हमारे साथ रहता है अरे ऐसा अगर संकट है तो विपत्ति तुम छोड़ोगे फिर तो अपने बरोबर इसलिए विपत्तियां रहेगी वो विपत्तियां हंसते लेकिन यहोवा उसमें से मुक्त करेगा पर देव जब मुक्त करेगी संकट रहेंगे संकट नहीं उसमें से हमको पार कराएगा पर देखा मंगल तो अपने लिए तकलीफें होगी अरे त्रास हंसते लेकिन उसमें वो हमारी रक्षा आपको समझा जो भी विपत्तियां है जिन्हें विपत्तियां आप दुख मत मना तुम्हें दुख मनवा मैं मसीह में हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों है तुम्हारे दुख का इतना प्रार्थना करता हूँ इतना भक्ति करता हूँ फिर मेरे जीवन में दुख क्यों है केवल प्रार्थना करते भक्ति करता हूँ मानी जीवन दुख का मैं बीमार क्यों है मैं आजारी का आयु तो धर्मी था आयु तो नीतिमान हो गया उसको सारी फोड़े थी ना शरीर में तेरा पूरा शरीर हमारे फोड़े होते हैं तो ऐसा होगा ऐसा हुई हम कभी कभी कुछ परिस्थितियों से प्रभु उनको लेके जाता है कहीं कहीं परिस्थितियों में तुम क्यों नहीं जाता उस पर हम परमेश्वर के अगेंस्ट कुड़कुड़ाना नहीं है और जैसे वो हम देव से मतलब कुड़कुड़ नहीं करें परमेश्वर के सच्चाई पन पर खराई पन पर भरोसा रखकर इंतजार करना है कि एक दिन इसमें से प्रभु मुझे पार करे हाँ देव अपने विश्वास से मना कर रहे विचार कर रहे थे कि जो मन रखे चलना एक दिन सुधार कर रहे देव जैसे अपघाता पसंद देखे रक्षण कर परमेश्वर हमारे एक्सीडेंट से हमारी रक्षा करता है हमारा एक्सीडेंट होने नहीं देता है तो अपना अपघात हो देता है उनमें से एक भी हड्डी नहीं कुछ ऐसा नहीं किया ठीक है हम पढ़ेंगे वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती प्रभु का वचन क्या कहता है प्रभु परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है बड़ा बड़ा से रक्षण करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती हमारा परमेश्वर हमारी हड्डी टूटने नहीं देता आपने हड्डी टूट देता है जैसे हमने जो वचन में देखा था वचन अभी हमने क्या देखा था गाय बोली थे लोग कहते हैं मैं जो हमने देखा था कि कुबड़ी स्त्री के बारे में कुबड़ी स्त्री के बारे में लोग कहते हैं हमारे बोली थे कुबड़ी स्त्री की मेन हड्डी या प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो सीधी नहीं हो पाती थी अंदर कुबड़ी स्त्री का आने का प्रॉब्लम था उन्होंने सर उभी हाथ में लेकिन प्रभु ने उसे सीधा कर दिया पर देवन सीधा सर हो गया वो सीधी हो गई सर हो गई वही परमेश्वर है हमारा भी अंदर देव है आज हमारे भी होता है जीवन में बहुत सारे संकट बहुत सारे दुख तकलीफ है अरे आज अपने लोगों के जीवन में खूब सारे दुख दर्द है हड्डियों में दर्द है हाड़ों में दुख है वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को हड्डियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद अरे खूब लोगों ने हाड़ों का त्रास है क्योंकि जब मैं अंदर आने से पहले प्रभु मुझे
ऑलरेडी नीलम तो बोल चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही मेरे कमर में दर्द होने लगा। अरे जब मैंने माता कमर में दर्द होने लगा, अरे प्रभु माता का कमर दुखने लगे और मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा है? तुझे नहीं दुखता है, बस बाइकन से दुखता है। और बहुत स्त्रियों का कमर दर्द है, जैसा प्रमाण दिया नीलम का कमर दर्द, और उसका प्रमाण दिया नीलम दीदी, जब वो मेरे सामने आके बोली मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमरे में पैर में दुखना है। दूसरी चांदनी मौसी आके बोली मेरे पैर में बहुत दर्द है, और चांदनी मौसी बोले मेरे पैर को दुख करने की कोशिश है। इसका मतलब इतना दर्द है जो मेरा गया, क्योंकि प्रभु को बोला मैं वचन तैयार करती हूँ हड्डी के लिए, आने ले आना जरूरी वचन तैयार करते हूँ। प्रभु ने मुझे बोला कुटी स्त्री का ले, कुटी स्त्री से नहीं वजन संहिता निकाल, तो निकाल मैं हड्डियों की रक्षा करता हूँ, मैं आड़ से रक्षण करता हूँ। ढूंढा शोधन बराबर ढूंढी दिया, बराबर शोधन दिया, बस तैयार किया, उसी घड़ी में ठीक हो गई मेरे नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं प्रभु की दया से। लेकिन ये पवित्र आत्मा ने हमें बताया, ये पवित्र आत्मा ने हमारे सामने, यानी आप में से बहुतायत लोग, यानी आप प्रभु की बेटियां हो, लेकिन आप में से बहुतायत लोगों की हड्डियों में दर्द है। अरे तुम्हें डेली वजह मुझे अपन खूब जाना चाहिए, शरीर हमें झुकना है, प्रभु आपको सीधा खड़ी करना चाहता है, उसको घुमा के खड़ा ऐसा बिठा दे, उसके साथ रखे तो ऐसा ही होएगा ना। तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं कि आपकी हड्डियों में दर्द हो, बिल्कुल आवड़त नहीं कि तुम साड़ा में दुखना आ गई, एक एक हड्डी की प्रभु रक्षा करता है मालूम, तुझे एक ही खड़ा में देव रक्षण करता हूँ, आपका एक भी हड्डी टूटने नहीं देता, तुझे एक ही हड्डी तो टूट देता है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। आपका आवड़त देव आज प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आपकी हड्डियों के कारण आप एकदम झुकी हुई हो, और तुमसे हड़ा वाकले देव बिल्कुल आवड़त है, झुकी हुई हो वाकले उस दर्द की, क्योंकि हड्डी का दर्द क्या है वो जिसको है वही जानता है, अरे आड़ा से दुखन गए जरा है गलत माइंड है, वही वो पहचान सकता है, वही वो दर्द को अनुभव दे सकता है, जो दूसरा कहता है कि अरे जैसे अभी नीलम और चांदनी मौसी मेरे पास आके बोली वहाँ से पाई, तो अभी मुझे मालूम है पैर का दर्द क्या होता है, क्योंकि मैं उस दर्द से गई हूँ, आने वाला समय के पाए से दुखना पाएगा तो मेरे दर्द से नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है कि कैसे पैर चलते समय कहीं डर रहता है, उनको गिर गए तो लंबा मन लोग क्या सोचेंगे, यही डर रहता है। चांदनी मौसी हर्ष पुष्ट चलती रहती है, उनको हमेशा डर क्या रहता है, लोग क्या सोचेंगे मैं लंगड़ के चली तो हमें को देखो यीशु के पास जाती हूँ लंगड़ के चलती है, यीशु के तरह ही लंगड़ में चलते एक नेचुरली हर एक मसीह में ऐसी सोच रहती है, प्रत्येक किसी लोगों को यही विचार रहता है, इसीलिए प्रभु चाहता है कि आज हम क्या करें, गुणादेव जैसे कि हम क्या करो हमारे हड्डी के ढांचे के लिए प्रार्थना है, आपको बुलाया ऐसे लिखा है, येशु ने उसे देखकर बुलाया, येशु ने संडे को आपको देखा और आपकी जरूरत से तकलीफ से जा रहे आपको देखकर आपको इस मीटिंग में बुलाया, और तो तिला म्हणाला और आपसे वो कहता है भाई हे स्त्री तू तुझ्या विकारापासून मुक्त झाली आहे, तू इस दर्द से जो भी तेरा विकार है, जो भी तकलीफ है, जिस दर्द से, जिस संकट से, जिस समस्याओं से तू जा रही है, उससे तू क्या हो गई है, छूट गई है, मुक्त हो गई है। देखो ये कुबड़ी स्त्री ने कुछ बताया था मुझे जहाँ तकलीफ है, अरे यहाँ कुबड़ी स्त्री ने शादी करो कि मन को दुखना है, यीशु ने यीशु को आगे बोली थी, यीशु ने बोली होती ना मेरे मुझे कुबड़ है, अरे वाला कुबड़ ऐसे ऐसा मुझे तकलीफ है, ऐसा ऐसा वाला रास है, ऐसा उसने कुछ बोला ऐसा दिखाई बोली होती, लेकिन यीशु आपको देखता है और यीशु तुम्हारा भक्त हो, यीशु आपको देखता है, यीशु आपको जानता है कि आप कुछ दिनों से कुछ महीनों से शायद कुछ बातों से करहा रहे हो, और यीशु तुम्हारा भक्त होकर को वचन पसंद में यहाँ रास काम करता है, अभी प्रभु आपको ये भी वचन कहता है, अगर उन्होंने तो नारी को अपनी दुर्बलता से छूट गई है, हे भाई तो मुझे निकला छूट गई है, मुक्त करिए, इसे भी आपको प्रेरण नहीं कर रहा है, तो मतलब प्रार्थना नहीं कराई जाए, अभी सोचो परिचर करा और मुझे खांसी है, मतलब खोखला है और अभी मेरी खांसी निकल गई है, मतलब खोखला निकल गया, मैं डॉक्टर के पास जाकर बोलता से ऐसा बोलूँगी क्या डॉक्टर मुझे खांसी नहीं करती, फिर डॉक्टर अपने साथ पूरा सामने मेरा डॉक्टर वाला खोखला है, अभी मैं ठीक हो गई ना, अभी पहले भी बोलते हैं तो मैं बोलूँगी क्या डॉक्टर को, अभी डॉक्टर ना बोलेगा तो अगर मुझे डॉक्टर मिल गया तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा डॉक्टर मिल गया तो मैं क्या बोली, थैंक यू डॉक्टर दवा बहुत अच्छा था, धन्यवाद डॉक्टर दवा खूब सामने मस्त है ना, ऐसा बोले ना, ऐसा बोले ना, आपकी दी हुई दवा से बहुत फर्क पड़ा, हम तो भी दिल्ली औषध होने मेरा खूब फर्क पड़ गया, खास नहीं रही हूँ अरे मेरा खोखला एक है, ऐसे ही बोलेंगे ना, बस यही आपको भी आज करना है, तुम्हारा आता लगा आज करना क्या है, करे तो आज आपको प्रार्थना नहीं करना है, तुम्हारा प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु ने आपके दुख को आपके दुर्बलताओं को आपकी समस्याओं को
आपके जीवन में चल रही कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनको प्रभु ने देखा है आणि तुमच्या दुःखाला तुमच्या परिस्थितीला जी तुमच्या जीवनात चालले ते देवाने बघितलेले आहे बस आपको करना क्या है तुम्हाला करायचं काय आहे स्त्रीने क्या किया स्त्रीने काय केलं खडी होकर सीधी होकर यानी आपने सीधी होकर क्या किया परमेश्वर की बड़ाई करने आणि सर्व लोकांनी आम्ही देवाची खूप स्तुती करू लागलो आपली होई करू तुम्ही पण देख करा खडे हो जा उभे राहा प्रभु को धन्यवाद हा देवा धन्यवाद आहे क्या है हमारा परमेश्वर जो आपको मानने के लिए नहीं कहता है कि ये वस्तु मांगो अभी मांगो क्योंकि प्रभु बोलता है अधिक में जब दे चुका हो तो फिर उस वस्तु के लिए क्यों मांगना आणि पहिले जो तुम्हारा जीवन मध्ये आहे तुला काय मागायचं आहे ना खड़े हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे प्रभु को क्या करेंगे प्रभु की बड़ाई करेंगे प्रभु की बड़ाई करेंगे धन्यवाद देंगे धन्यवाद आपको को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद दो धन्यवाद आप चंगे होंगे बोलकर धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।